नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस फटाफट सीरीज में। दोस्तों, तो दोस्तों 19 जून से जितने भी सारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम लोग बहुत ही कम समय में उसको देखते हुए चलेंगे। दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों, आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 का किताब पेटरसन जोसेफ ने जीता है। ये पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में गोपीचंद ने कार्यभार अपना संभाला है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद ने, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों, हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल में आयोजित किया गया है। और ये कैपिटल हिल कहाँ पड़ता है? तो ये अमेरिका में पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी जी का दौरा है 25 जून से लेकर 29 जून तक, तो वहाँ पे ये सब आयोजन चल रहा है। तो हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में कहाँ हुआ? तो कैपिटल हिल में इसका आयोजन किया गया, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने, ये अमेरिका से खरीदेगा अपना रक्षा मंत्रालय 31 MQ-9B ड्रोन, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक अरुण ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अरुणाचल प्रदेश ने अपने नागरिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अरुण ऐप अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम को नौसेना ने शुरू किया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम किसने शुरू किया है, कौन सी सेना ने? तो नौसेना ने शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है? तो दोस्तों, मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास IIT मद्रास द्वारा किया गया है। अब मोबाइल द्वारा भी प्रदूषण का जैसे कि पता लगाया जा सकता है, तो इसमें कौन से शोधकर्ताओं ने इसका विकास किया है? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसका विकास किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य UAE ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने, भारत के साथ 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अभी तक चीन के पास हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार दूसरे नंबर पे अमेरिका है, जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। भारत कौन से नंबर पे है परमाणु हथियार के, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो दोस्तों, कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये देश है अमेरिका, जो कि जुलाई में फिर से यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 19 जून से जितने भी सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने देखा।
तो इसका आप लोग रिवीजन भी एक नज़र डाल लिया कीजिए, और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों के पास भी इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हम लोग कल मिलेंगे नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।